नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का किरण्स वर्ल्ड पे। तो आज है 22 सितंबर और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जैसे भी हो, जहाँ भी हो, अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और अपने अपने कामों में व्यस्त हो। तो आजकल जैसे सभी को पता है, पितृ पक्ष वगैरह चल रहे हैं, श्राद्ध वगैरह चल रहे हैं। तो आज हमारे घर में भी श्राद्ध है और आज मैं बना रही हूँ श्राद्ध का खाना। तो मैं कैसे बनाती हूँ, किस हिसाब से बनाती हूँ, तो वही मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सभी का तरीका अलग अलग होता है और मैं क्या बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ, किस तरह से बनाती हूँ, मैं इसमें आज आपको ये वीडियो दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूँगी। तो जिसको जैसा आता है, जो आता है वो बनाइए, प्रेम से बनाइए। बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खाना बिल्कुल सात्विक तरीके से बना हो, लहसुन प्याज का बिल्कुल भी यूज ना हो। तो वैसा खाना हम श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को समर्पित करते हैं। बस इसी बात का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कुछ तैयारी मैंने कर ली है और कुछ बाकी के काम अभी बाकी हैं खाना बनाने के। तो चलिए आगे के काम शुरू करते हैं और आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। तो यहाँ मैंने राजमा रखी थी और राजमा मेरी बॉईल हो चुकी है। तो ये देखिए, ये राजमा बॉईल हो चुकी, बिल्कुल गल चुकी है राजमा। उसके बाद यहाँ पे मैंने खीर बनाने के लिए चावल भिगो रखे हैं। तो ये मैंने 1 घंटे पहले करीब भिगो दिए थे, तो ये अच्छे से भीग गए हैं। तो अब मैं इनको धो लूँगी और धोने के बाद मैं, जैसे कि आपको बता रही हूँ, मैंने ये 1 घंटे पहले भिगोए थे। तो अब मैं इसको हाथों से तोड़ रही हूँ चावलों को, क्योंकि खीर अक्सर देखते होंगे आप, साबुत चावल की इतनी अच्छी नहीं लगती जितने कि टूटे हुए चावलों की लगती है। तो इसलिए मैंने ये 1 घंटे पहले भिगो दिए थे और अब मैं इनको हाथों से तोड़ रही हूँ, क्योंकि जब ये अच्छे से टूट जाएंगे तो खीर बहुत अच्छे से बन जाएगी हमारी। तो ये सारे चावल मैंने हाथों से अच्छे से रगड़ के फिर धो के फिर मैंने गैस पर खीर बनाने के लिए चढ़ा दी है। और पहले मैं इसमें दूध नहीं डालूंगी, कुछ देर के लिए मैं इसको ऐसे ही पकाऊंगी जब तक चावल खूब पक जाएंगे, उसके बाद ही मैं उसमें दूध डालूंगी। तो एक साइड मैंने खीर चढ़ा दी है, दूसरी साइड बना रही हूँ मैं यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी। तो कद्दू की सब्ज़ी के लिए जितना कद्दू मुझे चाहिए था सब्ज़ी के लिए उतना मैंने ले लिया है और बाकी का मैंने रख दिया है। तो अब देखिए आप, इसके बाद मैंने इसके अंदर जितना भी मतलब हम लोग फेंकते हैं सब्ज़ी बनाते समय कि यूज नहीं होता है, बीज वगैरह रहते हैं उसमें, तो उसको मैंने निकाल दिया है। और अब मैं इसको छील दूंगी कद्दू को, क्योंकि छिले हुए कद्दू की सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी बनती है, या तो फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो कद्दू तब ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने कद्दू को अच्छे से छील दिया था और उसके बाद मैं इसको काट रही हूँ छोटे छोटे पीसेस में। तो कद्दू बहुत जल्दी गल जाता है, तो आप जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से बनाइए। तो यहाँ पर मैंने एक साइड अपने, मैं बता रही थी आपको कि मैंने खीर में अभी दूध वगैरह कुछ नहीं डाला है, बस पानी डाला था। तो मैं उसको पानी में ही कुछ देर मैंने अच्छे से पकाए है उसको, और अब ये बहुत अच्छे से मेरे चावल गल चुके थे, मैं ये दिखा रही हूँ आपको। तो देखिए बिल्कुल गले हुए चावल है। और यहाँ मैंने एक साइड दूध गर्म करने के लिए रख दिया था, तो दूध गर्म हो चुका है और मैंने अब डाल दिया है इसमें पूरा दूध। तो दूध डालने के बाद देखिए मैं फिर इसको अच्छे से मिला लूँगी करछी से, करछी से मिलाने के बाद जब तक कि अच्छे से पक न जाए और पूरी मतलब गाढ़ी सी ना हो जाए, तब तक मैं इसको पकाती रहूँगी सिम करके गैस को, और मैं तब तक इसको गैस पे ही रखूँगी। तो एक साइड मेरी खीर पक रही है, दूसरी साइड मैंने सब्जी चढ़ाने के लिए कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में डाल दिया मैंने थोड़ा सा तेल। और यहाँ पे करूँगी मैं सब पहले सब्जी, कद्दू की सब्ज़ी बनाने की तैयारी। तो श्राद्ध का खाना मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बिल्कुल सिंपल सा खाना बनता है, जैसे हम लोग व्रत वगैरह में बनाते हैं सादा खाना, तो वैसे ही श्राद्ध का खाना भी होता है। तो बीच बीच में वैसे खीर को चलाती जाऊंगी, क्योंकि तभी हमारी खीर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। और अभी देखिए आप, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है खीर की पहले से। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया है सब्ज़ी बनाने के लिए कद्दू की, और उसमें डाल दूंगी मैं लाल मिर्च का तड़का, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो डालना नहीं होता है, तो बस ऐसी चीज़ों से उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो जीरा और मिर्चें अच्छे से भून चुकी थी, और उसके बाद मैं डाल रही हूँ उसमें मसाले जो हम लोग खाते हैं, हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक वगैरह, और लास्ट में डालती हूँ मैं उसमें गरम मसाला। तो ये कद्दू मैं इसमें धीरे धीरे से डालती जाऊँगी, मिलाती जाऊँगी, जैसे हम लोग कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं खाते हैं उसी हिसाब से।
तो मिर्च का इसमें ऑप्शन है, अगर आप लोग मिर्च वगैरह कम खाते हैं तो तीखा आपको कम पसंद है तो आप अपने हिसाब से रखिए, अपने हिसाब से अपने मसाले रखिए। तो कद्दू भी दो प्रकार का बनता है, मीठा वाला कद्दू बनता है और ये सादा वाला कद्दू बनता है। तो मीठा कद्दू नहीं बना रही हूँ मैं यहाँ पे, तीखा ही कद्दू बना रही हूँ जिसमें नमक मिर्च मसाला ज़्यादा होगा और इसमें मीठा नहीं डालूँगी मैं, तो वैसा वाला कद्दू बना रही हूँ मैं यहाँ पे। तो कद्दू की सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, देख लीजिए आप, बहुत जल्दी कद्दू बन के तैयार हो जाता है। और यहाँ दूसरी साइड मेरी खीर बन चुकी है, तो खीर बहुत अच्छी खीर बनी थी क्योंकि मैं करीब इसको एक घंटे से इसको पका रही हूँ गैस पे, तो मैंने गैस कम कर रखा था और यहाँ पे खीर तैयार हो चुकी है। मैं आपको हाथों से दिखा रही थी क्योंकि थोड़ा सा मतलब लगता है ना गलने में कि कहीं पे गली ना हो ढंग से, लेकिन खीर बहुत अच्छे से पक चुकी थी। तो लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी, मीठा आपको जितना खाना हो आप उस हिसाब से रखिए, हमें थोड़ा मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है खीर वगैरह में, तो मैंने उस हिसाब से चीनी अपनी यहाँ पर डाली है। और लास्ट में थोड़ा सा मैं डाल दूँगी ड्राई फ्रूट, तो ये मैंने डाल दिए हैं। और वैसे सिंपल सा खाना है, हर किसी को आता है, हर कोई बना सकता है, लेकिन मैं बना रही थी तो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया है। पसंद आए को तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सब्ज़ी वगैरह सब बन चुकी थी, लास्ट देखिए आप यहाँ पर डाल रही हूँ मैं गर्म मसाला। तो खाना तैयार हो चुका है मेरा, यहाँ राजमा बन चुकी है, देखिए ये राजमा तैयार हो गई है खीर बन चुकी है, ये खीर है और ये यहाँ कद्दू की सब्जी बनी हुई है, ये सब्जी बन चुकी है। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे रायता, तो रायते के लिए मैंने दही डाल दिया है। अब मैं इस दही को अच्छे से फेंट दूंगी, अब बस पूड़ियाँ बनानी रह गई हैं। तो यहाँ मेरे ये चावल बन रहे हैं, हम लोगों के बिना श्राद्धों और पितरों के लिए खाना बनता है जब, तो उसमें चावल बनाए जाते हैं क्योंकि चावल भी रखते हैं हम लोग बाहर जब
छत में पितरों के लिए खाना रखते हैं ना, तो उस खाने में चावल जरूर रखते हैं। तो यहाँ मेरे चावल बन चुके हैं। और अब यहाँ पे पूरा खाना तैयार हो चुका है। पितृपक्ष पितृपक्ष की थाली जो मैं आप लोगों से बात कर रही थी, वो खाना आज बना था। तो सबसे पहले खाना जा रहा है हमारा यहाँ पे पितरों के लिए। तो हम लोग ऐसे हमारे पहाड़ में ऐसे खाना रखा जाता है। तो ये हरे पत्ते ला रखे हमने, और यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा सा जो भी बना था उस पत्ते में रख दिया है पूड़ी के साथ। और ये पहले खाना जाएगा हमारा छत पे। तो जो खाना छत पे रखा जाता है तो वो खाना मैं इनको दे रही हूँ, ये लेके चले गए हैं। और उसके बाद उतना ही थोड़ा थोड़ा सा खाना जहाँ पे हमारे पितृ मंदिर में होते हैं तो वहाँ के लिए मैंने रख दिया है। तो हमने बचपन से जैसे देखते आए हैं उसी हिसाब से मैंने आप लोगों के साथ दिखाया है। और पूरा और कहीं जगह ऐसा होता है कि जब पितरों के लिए खाना बनाया जाता है, पितृपक्ष की थाली तैयार की जाती है, तो उसमें चावल वगैरह नहीं बनाते हैं। लेकिन हम लोगों में बिना चावल के नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि हम जो खाना बाहर रखते हैं उसमें चावल ज़रूर होते हैं। तो इसलिए मैंने चावल भी बनाए थे, और मैं बता रही हूँ आपको कि हमने जैसे बचपन से देखा है मैं उसी हिसाब से मैंने बनाए हैं, आप लोगों को दिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा पेज भी है तो पेज को फॉलो कीजिएगा। और मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ।